मुमताज। दोस्तों, लोफर फिल्म में अभिनेत्री मुमताज ही अंजू की किरदार निभाई थी। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो अभिनेत्री मुमताज कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन अब अभिनेत्री मुमताज कुछ इस तरह दिखती है। अभिनेत्री मुमताज 75 वर्ष की हो गई है। धर्मेंद्र 87 वर्ष के हो गए हैं। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो धर्मेंद्र कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब धर्म जी 87 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह दिख रहे हैं। ओम प्रकाश। दोस्तों, इन्होंने ही गोपीनाथ का किरदार लोफर फिल्म में निभाए थे। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 19 दिसंबर 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु 21 फरवरी 1998 को हुआ था। राजकुमार। दोस्तों, राजकुमार साहेब ही लोफर फिल्म में सिपाही का किरदार निभाए थे। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो राजकुमार साहेब कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था। रामायण तिवारी। दोस्तों, लोफर फिल्म में सिंक्स एजेंट का किरदार रामायण तिवारी ही निभाए थे। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। हालांकि इनका जन्म कब हुआ इनके बारे में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी 1980 में, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिख रहे थे। फरीदा जलाल। दोस्तों, फरीदा जलाल ही फिल्म लोफर में रूपा का किरदार निभाई थी। अब ये 74 वर्ष की हो गई है। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन अब ये 74 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह दिखती है। प्रेमनाथ। दोस्तों, लोफर फिल्म में प्रेमनाथ प्रताप का रोल निभाए थे। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 21 नवंबर 1926 को पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 नवंबर 1992 को मुंबई में हुआ था। रुपेश कुमार। दोस्तों, लोफर फिल्म में रुपेश कुमार ही राकेश का किरदार निभाए थे। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका मृत्यु 26 नवंबर 1995 को हो गया था और इनकी जन्म 16 जनवरी 1946 को मुंबई में ही हुआ था। भूषण तिवारी। दोस्तों, लोफर फिल्म में भूषण तिवारी भूषण का ही किरदार निभाए थे। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ ऐसे होकर मरे। इनका जन्म 12 फरवरी 1935 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था। पद्मा खन्ना। दोस्तों, लोफर फिल्म में पद्मा खन्ना ही डांस की है। पद्मा खन्ना अब 74 वर्ष की हो गई है और अब कुछ इस तरह दिखती है। हरी लाल। दोस्तों, लोफर फिल्म में हरी लाल ही सिंक्स एजेंट का किरदार निभाए थे। जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 14 मार्च 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जून 1982 को हुआ था। फरियाल। दोस्तों, अभिनेत्री फरियाल लोफर फिल्म में एक डांसर के रूप में काम की है। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो फरियाल कुछ इस तरह दिखती है, लेकिन अब फरियाल कुछ इस तरह दिखती है। इनकी उम्र 77 वर्ष है। अनिल धवन। दोस्तों, अनिल धवन ही लोफर फिल्म में अनिल मेहरा का किरदार निभाए हैं। अनिल धवन फिलहाल 72 वर्ष के हो चुके हैं। जब लोफर फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब 72 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे सारे लोफर फिल्म के कलाकार, और आपको लोफर फिल्म में इन सारे अभिनेताओं में सबसे अच्छा किनका अभिनय लगा था उनका नाम कॉमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।